सुकमा में नक्सलियों द्वारा लूटे गैस सिलेंडरों को 6 घंटे के भीतर उन्हीं के मान घुसकर पुलिस ने निकाल लिया। बता दें कि छत्तीसगढ़ के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि नक्सलियों के द्वारा लूटे गए सामान को इतने जल्दी बरामद किया गया हो। पुलिस ने गाड़ी और 48 सिलेंडर बरामद किए हैं। कोंटा थाना प्रभारी शिवानंद सिंह और एराबोर थाना प्रभारी नरेंद्र राठौर के नेतृत्व में सिलेंडर बरामद किए गए। साथ ही अभियान में सीआरपीएफ 219 बटालियन का विशेष सहयोग रहा। जी, कल दिनांक 30 जनवरी को हमारे गोरखा कोतेश्वर कैंप के बीच वाले स्थान पर जंगल से अज्ञात 15 से 20 नक्सली एक गैस की गाड़ी को रोके थे। उसमें गाड़ी और उसमें 60 सिलेंडर थे उसके अंदर। उनको उन लोग मारपीट करके उनको जंगल में लेके चले गए थे, गाड़ी और सिलेंडर्स को, जो उन्होंने 10 किलोमीटर के करीब ले जा पाए थे। उसी के तुरंत से ड्राइवर कंडक्टर ने आके जैसे ही अपना FIR दर्ज कराया, तुरंत इसमें DIG की टीमें गठित की गई और DIG की टीमों को तुरंत जंगल में ऑपरेशन पर भेजा गया, जिन्होंने पीछा करके वो नक्सलियों तक पहुंच गए और उन्होंने वो गाड़ी और सिलेंडर्स को